रिफाइन तो टाइम जितनी जितनी बढ़ती है, जैसे आप जितना आप रियाज करते हो, जितना आप गाते हो और जितना आप सीखते हो, उतना बदलाव और उतना सुधार आपकी वॉइस में आता है। बट इतना कह सकता हूँ कि जब भी मैं गाता था, उस टाइम पे भी गाता था, आज से 9 साल पहले भी गाता था तब, तो लोगों ये नहीं लगता, लोगों के क्लासिकल नहीं सीखा है। लोग पूछते थे कि आपने क्लासिकल कहाँ से सीखा है, किन से सीखा है, कितने सालों से सीख रहे हैं क्लासिकल। मैं बोलता था मैं तो सीखा ही नहीं है, मैं तो अभी गाना शुरू किया है, गला जस्ट खुला है मेरा अभी। और जितना खुलेगा, जितना रियाज होगा, जितना आप गले को इस्तेमाल करोगे, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे जो एक्सरसाइजेज होती हैं, और जितना आप गाते रहोगे, माइक पे गाते रहोगे जितना, उतना आपके लिए अच्छा होता है। और स्टूडियो माइक पे, क्योंकि स्टूडियो माइक पे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आप क्या सुर लगा रहे हो, आपके क्या आपकी क्या मुर्कियाँ आ रही हैं, आप क्या तान ले रहे हो, और बाकी सारी जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो फिर इस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि मुझे अब लेनी चाहिए तालीम। तो उस्ताद मकबूल हुसैन खां साहब हैं, यहाँ बॉम्बे में रहते हैं और रामपुर सहसवान घराने से उनके ताल्लुकात हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे सिखाने का एक फैसला लिया और मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं उनसे सीख सकूं, क्योंकि उनसे सीखने के लिए जब ना जाने कितने लोग आतुर रहते हैं और सोचते हैं कि हम मकबूल हुसैन खां साहब जो हैं उस्ताद जी, उनसे सीखें। बट सब लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती, सब लोगों के रीच में नहीं रहते हैं वो, और क्योंकि खुद इतने बिजी रहते हैं, खुद के इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं उनके। बट मुझे उन्होंने मेरे से 2-3 गाने सुने और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ में कुछ है बात, उसको पॉलिश करेंगे, उसको और निखारेंगे तो बहुत अच्छी, मतलब वन ऑफ द यूनिक, मोस्ट यूनिक वॉइसेस बन सकती है, क्योंकि तुम्हें वो बात है संगीत को समझने की, और वो डेडिकेशन है। सबसे बड़ी बात होती है लोगों के पास अच्छी आवाज़ होती है, बट लोग उतना प्रयत्न नहीं डालना चाहते, लोग उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। तो वो मेहनत करने का जो जज्बा है, जो हार्ड वर्किंग और एक लगन और जो होती है और एक जो पैशन होता है, जुनून होता है, वो उन्होंने मुझ में देखा और उन्होंने मुझे फिर सिखाने का फैसला किया। हिमेश जी ने मुझे सबसे पहला चांस दिया, डेब्यू दिया। बहुत मुश्किल होता है एक न्यू कमर का, एक बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे इतने सारे दिग्गज हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, और मुझ जैसा अगर कोई शख्स अपने सिर्फ टैलेंट के बलबूते पे आता है तो बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं पहले से और अब काम करते चले आ रहे हैं, और उनकी एक टीम्स होती हैं, सबके एक क्या बोलते हैं, ग्रुप्स होते हैं या टीम्स होती हैं जो एक साथ फिल्म बनाते हैं, एक साथ फिल्में लिखते हैं, एक साथ कहानी लिखते हैं, एक साथ एक्टर्स को चूज़ करते हैं, एक साथ म्यूज़िक कंपोज करते हैं और एक साथ गाने लिखते हैं। लिरिसिस्ट की एक टीम होती है, एक म्यूज़िक कंपोजर्स का एक ग्रुप होता है, तो आपस में ही उनकी सब जो है काम करने की जो शैली है वैसे ही होती है कि जो सिंगर्स वो यूज़ करते हैं वही सिंगर्स वो भी यूज़ करते हैं, तो एक इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस। तो इन सब चीज़ों में मेरा आना और एक इंडस्ट्री में गाना गाना बहुत बड़ी बात थी। हिमेश जी ने मुझे वो इस लायक समझा कि मैं गाना गा सकता हूँ उस लेवल पे, सबसे टॉप लेवल, टॉप मोस्ट लेवल पे। प्रभु देवा सोनाक्षी डांस कर रहे हैं और उस गाने में, और स्पेशली उस गाने में वो आए हैं, गाने के फिल्म के पात्र नहीं है, फिल्म में कैरेक्टर नहीं है उनका, बस सिर्फ उस गाने के लिए आए थे, ओ माई गॉड का, गोगो गोविंदा जो गाना था, और वो गाना पहले ही बड़े एक बहुत ही नामी सिंगर हैं वो गा चुके थे, और उनकी आवाज़ अक्षय कुमार जी जो हैं वो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो उनको वो आवाज़ कुछ जमी नहीं या रास नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ये आवाज़ जा नहीं रही है इस गाने के हिसाब से, तो हिमेश जी को बोला तुम कुछ और वॉइस ट्राई करो, किसी और से गाओ जिससे तुम्हें लगता है। तो हिमेश जी ने फिर मुझे कॉल किया और बोला कि तुम आओ और इस गाने को ट्राई करो कैसा होता है, जी जान लगा दो जो है। गाना सुनाया मुझे तो बहुत फर्स्ट लिसनिंग में ही और फर्स्ट हेयरिंग में ही आपको मुझे पता चल गया था ये गाना बहुत बड़ा गाना बनने वाला है, क्योंकि उसमें गोविंदा ला रे या ला,
तो ये जो पार्ट था गो 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 गोविंदा, तो ऐसा फ्रेज किया गया था जो कि रफ़ी साहब का अमर गाना है जन्माष्टमी के लिए। तो वो जो चीज़ थी उसमें यूज़ की गई थी उस गाने को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। तो और गाना ही इटसेल्फ, जो पूरा जो गाना है बहुत इतना दमदार और इतना एनर्जेटिक है कि आप अपने पाँव रोक ही नहीं सकते हो डांस करने से। तो मुझे पता था कि बहुत बड़ा गाना बनेगा, लेकिन ऊपर वाले की आशीर्वाद, ऊपर वाले का बोल सकता हूँ, सारे लोगों की, जितनी सुरक्षित्र से लेके उससे पहले से लेके जितने भी मेरे लोगों की दुआएं हैं, और हिमेश जी की जो गाइडेंस थी और जो ट्रस्ट था मुझ में कि हाँ तुम कर सकते हो, वो सब ने काम कर दिया। और आप सबके सामने मेरा पहला गाना।